गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर जो आपकी फिजिक्स 11th क्लास की फिजिक्स है, उसमें वेक्टर का जितना रोल है उन्हीं का रोल हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर का वैसे स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एक लिमिटेड स्कोप में वेक्टर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी फिजिक्स में यूजफुल हो सके। ठीक है, तो हम पहले वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस को समझते हैं। जैसे दो टर्म होते हैं हमारे, एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। ठीक है, दो टर्म हैं हमारे वेक्टर और स्केलर, इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमारा वेक्टर है उसमें क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और वहीं जो हमारा स्केलर होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और उसमें डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करता है, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्डिनरी लॉज फॉलो नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी लॉज डजंट फॉलो, यानी ये ऑर्डिनरी लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वेक्टर होते हैं। और स्केलर में क्या है कि हमने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया है तो आपका स्केलर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने कुछ भी चेंज कर दिए तो आपकी पूरी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ हमारे वेक्टर्स के जो बेसिक और डिफरेंस था वो हमने समझने की कोशिश की। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए सिंपल है, आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने ये पी से क्यू की तरफ एक लाइन खींची है, ये लाइन तो हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जो इसका हेड है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और लाइन हमारी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कितनी लंबी लाइन है ये मैग्नीट्यूड शो करेगा और लाइन का जो हेड है वो हमारा डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो इसके ऊपर ए वेक्टर, यानी कि ए यहाँ पर मैग्नीट्यूड और वेक्टर का जो सिंबल लगाया वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं यहाँ पर, इसलिए इसे हम वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि वेक्टर में यूजफुल होंगे और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, पहले बात करें हम कॉलिनियर वेक्टर की। कॉलिनियर वेक्टर, तो कॉलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर एक्चुअली ऐसे वेक्टर होते हैं जो हमारे एक ही लाइन पर वेक्टर बनते हैं। ठीक है, अलोंग द सेम लाइन, जो हमारे अलोंग द सेम लाइन वेक्टर होते हैं उन्हें हम कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड जो हमारा आ रहा है वो क्या है, हमारा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर यानी कि पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं उन्हें समझते हैं। जो पैरेलल वेक्टर हैं वो हमारे पैरेलल होंगे एक दूसरे के, इसमें सिंपल है, जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, बी वेक्टर ए वेक्टर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आगे जाके कहीं पर भी। अब बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, अब जैसा कि ये वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हों वेक्टर। जैसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, तो हम इसे एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्चुअली, इसे हम समझते हैं। जैसे आपका कोई वेक्टर है, उसके सिर्फ अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें, डायरेक्शन ओनली, अगर हम सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर करें और उसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मैग्नीट्यूड यूनिट अगर मैग्नीट्यूड हम लेके चलते हैं, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को वन यूनिट मान लें और उसकी डायरेक्शन को हम कंसीडर करें, तो उस केस में हम वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका यूनिट होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और हैज़ द सेम डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन सेम होती है गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, हैज़ सेम
डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर दिया है, मान लो ये वेक्टर हमने दे दिया, ऐसे वेक्टर दे दिया है, ठीक है, ये वेक्टर है हमारा। अब यूनिट वेक्टर इस केस में क्या बनता है कि इसकी डायरेक्शन तो हमारी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 यूनिट होगा, यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड हम लेके चलेंगे और डायरेक्शन हमारी इस वेक्टर के जैसी ही होगी, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ए यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, तो ए कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर। और अगर इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो जैसे ए वेक्टर है, अगर हम इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के अलोंग है, तो यानी ए यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया और ए कैप डायरेक्शन भी शो कर रहा है। डायरेक्शन क्या है इसकी, जो ये वेक्टर है एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ही ए कैप की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारा ए का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। अब ए कैप क्या है, एक्चुअली ए कैप को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहें, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वेक्टर यानी कि जो वेक्टर है हमारा गिवन वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अब ऐसे ही हम एक दो वेक्टर और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमारा को इनिशियल वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर है, को टर्मिनस वेक्टर है, को टर्मिनस वेक्टर है और को प्लेनर वेक्टर है, ये भी कुछ वेक्टर के टर्म्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, को प्लेनर वेक्टर। तो जैसे को इनिशियल वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर यानी कि एक ही पॉइंट से इनकी शुरुआत हो रही है, इनिशियल पॉइंट इनका सेम है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब को टर्मिनस वेक्टर क्या है, एक ही पॉइंट पर वेक्टर टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि एक ही पॉइंट इनका एंडिंग पॉइंट है, इनका एंडिंग पॉइंट सेम है, तो उसे हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। अब को प्लेनर वेक्टर क्या होगा, एक ही प्लेन में वेक्टर लाई करेंगे तो हम उन्हें को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, एक ही प्लेन में वेक्टर को लाई करना चाहिए को प्लेनर वेक्टर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर हम किसी वेक्टर को ओरिजिन के रेफरेंस में उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यानी कि जैसे हमने ये वेक्टर बना दिया है एक्स और वाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पर ओरिजिन है ओ, इसके रेफरेंस में आपका कोई पॉइंट है पी, इस ओरिजिन के रेफरेंस में उसका क्या डायरेक्शन होगा, उस पॉइंट की क्या डायरेक्शन होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे ये हमने ओरिजिन बनाया और इस पॉइंट पी पर हम गए तो हमने ये वेक्टर उसके अलोंग ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मान लिया इसका कोऑर्डिनेट था पी पॉइंट का एक्स बाई कोऑर्डिनेट था, तो हमने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बाई लिख दिया, ठीक है, यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने ये ओ पी वेक्टर जो ड्रॉ किया है इसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और इसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और भी कोई टर्म यूज कर सकते हैं आर की जगह, तो वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पी पॉइंट पर वेक्टर अलोंग ड्रॉ करते हैं तो उसे हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक सबको क्लियर हुई होगी। अब देखो जो ये आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर को अगर हम यहाँ पर एक क्लियर ड्रॉ करते हैं, जैसे ये देखो ये आर वेक्टर जो है वो पहले तो हमारा एक्स पर, यहाँ पर एक्स का ही कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ठीक है। तो आर वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको हम कंबाइंड एक्स और वाई के वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यानी कि इन दोनों के अलोंग जो वेक्टर बन रहे हैं उनसे मिलके हमारा बन रहा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों कंपोनेंट हमने लेके बनाया हुआ है, ठीक है। अब आर वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो यूनिट वेक्टर होते हैं आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है आपका जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग यूनिट जो वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उन्हें रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक्स को एक्स आई कैप लिख सकते हैं, वाई वेक्टर को वाई जे वेक्टर जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड आप सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो अगर हमारा जेड एक्सिस भी इंक्लूड होता तो जेड एक्सिस भी इंक्लूड होता अगर व्हेन जेड एक्सिस कम्स इनटू पिक्चर, अगर जेड एक्सिस भी हमारा आता तो उस केस में क्या होता, जो आर वेक्टर होता वो क्या बनता, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर को मिला के आर वेक्टर बनता। और इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर लिखते एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। और इनका अगर मैग्नीट्यूड लिखते तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सबको। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होता है उसमें जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते थे, तो उसी टर्म को यहाँ पर यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिफरेंस टू अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि यहाँ पर हम ओरिजिन के रेफरेंस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन ओरिजिन के रिस्पेक्ट, अदर देन ओरिजिन कोई भी पॉइंट हम लेंगे उससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है X2 Y2, ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, ठीक है, R2 पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो किसी अदर देन ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के अदर कोई हमने पॉइंट लिया था P, इसके रेफरेंस में इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, क्या इसका वेक्टर बन रहा है अलोंग पोजीशन अदर देन ओरिजिन, ठीक है। अदर देन ओरिजिन जो आपका वेक्टर बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो डेल्टा आर आ जाएगा ये हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करेगा, ठीक है। ये किस चीज़ क्लियर हुई होगी, आई थिंक ये चीज़ आप सभी को क्लियर हुई होगी। आपको पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिन के अदर कोई पॉइंट के रेफरेंस में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है किसी क्यू पॉइंट का, कोई अदर पॉइंट का, हमें ओरिजिन से अदर कोई हम पॉइंट लेंगे उसके रेफरेंस में हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आर वेक्टर है जो डेल्टा आर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, ठीक है। डेल्टा आर इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, आर वन ये था। तो अब देखो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, अब जनरल तौर पे अगर हम बात करें तो जो आर टू है हमारा जो ऊपर पॉइंट बन रहा है और जो आर वन है वो थोड़ा सा नीचे है, तो आर टू माइनस आर वन हम कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हो आप और इसको माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो डेल्टा आर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर हम आर वन वेक्टर की बात करें, जैसे कि हम पहले ही बताए थे आर वन वेक्टर वो ये होता है वाई वन जे कैप, और आर टू वेक्टर जो होता है
एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप होता है, ठीक है। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन, अगर होगा पिक्चर में। वैसे यहाँ पर जेड टू माइनस जेड वन हमने लिया नहीं है, अगर होगा तो जेड टू माइनस जेड वन के कैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इन्हीं टर्म को लेके चल रहे हैं, इन्हीं टर्म को लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये हमारा डेल्टा आर आ गया, डेल्टा आर वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे यानी मॉड लगा देंगे, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हमने z कोऑर्डिनेट भी लिया हुआ है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा x2 टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा अगर हमने जेड कोऑर्डिनेट भी लिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, बाय अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या चीज़ होगी, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारा ए वेक्टर ये था, ठीक है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लो बी वेक्टर बन गया 2a वेक्टर। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे a वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो गया b वेक्टर वाले केस में, b वेक्टर में मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन सेम रह रही है, मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो गया यानी कि 2a वेक्टर हो गया और ये बन गया b वेक्टर। ध्यान क्या देना है, जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा नया वेक्टर बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो बी वेक्टर हमने किया है माइनस टू ए वेक्टर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ए वेक्टर तो ये था हमारा मान लो, तो इस केस में इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कुछ इस टाइप से बन जाएगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करें कि हम वेक्टर्स को इक्वल कब बोल सकते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है। पहली चीज़, जैसे हमने मान लो ये वेक्टर लिखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनको हम इक्वल कब बोलेंगे। पहली चीज़ तो इनके डायरेक्शन सेम होने चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होने चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है इसकी, दूसरी चीज़ है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए तो हम इन्हें इक्वल वेक्टर बोल देंगे, ठीक है। जैसे ये वेक्टर हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनमें तीनों वेक्टर के केस में डायरेक्शन इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी जहाँ तक इक्वल है, यानी कि जो हम लाइन की लेंथ लिख रहे हैं, लाइन की जो लेंथ है वो उसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं। अगर वेक्टर हमारा ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी अकॉर्डिंग उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें सेम होंगी तो उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक सभी को क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, वो चीज़ समझने वाली चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ है आपके आगे कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या फिर कोई चीज़ आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा यूज़ रहता है, ठीक है। तो वेक्टर को ऐड करने के दो तीन तरीके होते हैं, तो पहला जो तरीका है आपका वो तरीका है ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपका पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है हमारा वो है पॉलीगन
लॉ, ठीक है। इन तीन लॉज का यूज करके हम वेक्टर्स को नॉर्मली ऐड करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ यानी ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हम मान लिए एक कोई वेक्टर है पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और क्यू वेक्टर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में। अब हमें ट्रायंगल लॉ का यूज करके इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप वेक्टर को आप पैरेलली अगर शिफ्ट करते हो तो आपके उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पर, इस टिप पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस टिप पर जब हम इसे पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो आपका कुछ कुछ इस टाइप से वेक्टर बन जाएगा। पैरेलली शिफ्ट करना है यानी कि जो क्यू वेक्टर है उसी के पैरेलल हमें इस वेक्टर को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट करके एक नया डायग्राम बना देते हैं। जैसे पी वेक्टर था, ये क्यू वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट किए यहाँ पर, तो क्यू वेक्टर कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना है, शिफ्ट कर देना है पैरेलल, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को ऐड करके आएगा वो क्या आएगा और कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे, तो यहाँ पर जो ये डायगोनल आ रहा है, यहाँ पर जो हम आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा सम देगा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का, ठीक है। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का ये सम देगा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, जैसे मान लो हमने कोई एक वेक्टर बनाया है, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दिया है, ठीक है। क्यू वेक्टर हमने कहीं यहाँ पर बना दिया है क्यू वेक्टर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का एडिशन क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं क्यू वेक्टर को इस टिप पर। ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ पर पी वेक्टर का जहाँ पर हेड है वहाँ से क्यू वेक्टर की टेल स्टार्ट होनी चाहिए। क्यू वेक्टर की टेल और पी वेक्टर का हेड मिलना चाहिए, ठीक है। टेल टेल नहीं मिलनी चाहिए, हेड हेड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू वेक्टर को हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब हम देखो जो ये डायगोनल होगा, जो ये लेंथ आ रही है, यानी कि पी वेक्टर का टेल और क्यू वेक्टर का जो हेड आ रहा है उसे हम कंबाइंड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, यानी कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का सम देगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमने पी वेक्टर बनाया है, ठीक है, और क्यू वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में बनाया है, ठीक है। क्यू वेक्टर ये बना दिया, पी वेक्टर ये बना दिया, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर ये हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मान लिया एंगल हमने बीटा मान लिया, कुछ भी माने ले रहे हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सटेंड हमने इस डायरेक्शन किया, ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट का नाम दे दिया एन, ये ए मान लिया, ये सी मान लिया, ये ओ मान लिया, ठीक है। ये हमने पॉइंट के नाम दे दिए हैं, और ये एंगल ध्यान देना, ये एंगल हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है आर का मैग्नीट्यूड। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे देखना है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, अगर हम सिंपल आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, तो देखो क्या होगा, आर स्क्वायर क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ये हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है। ओ एन हमारा बना है ओ ए और ए एन से मिलके, ठीक है, तो इसे हम ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आर स्क्वायर को अगर और ओपन करें तो जो ओ ए था उसे हम पी लिख सकते हैं, ठीक है, और ए एन को ए एन ही लिखा रहने देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर एन सी स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम साइन थीटा देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में, साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारा एन सी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है क्यू वेक्टर, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एन सी अपॉन क्यू, तो एन सी क्या होगा, क्यू साइन थीटा, ये होगा एन सी। अब वहीं पे अगर हम कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ए एन और हाइपोटेन्यूज है क्यू, ठीक है, तो ए एन क्या हो गया, k
क्यू कॉस थीटा, ये हो गया ना। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, P लिख दिया, ए एन की जगह हमने Q cos थीटा लिख दिया का स्क्वायर, प्लस एन सी की जगह हमने Q sin थीटा लिख दिया और इनका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम स्क्वायर को खोलेंगे, स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। अब देखो, P स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया, Q स्क्वायर ऐसे लिखा और अंदर जो कॉमन आ रहा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कॉमन जा रहा था वो हमने लिख दिया, प्लस 2PQ cos थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो R स्क्वायर हमारा क्या आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। ये आर स्क्वायर हमारा आ गया, और जो आर आएगा वो आएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हमारा आर आएगा, ठीक है। आर और आर स्क्वायर, आर हमारा यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक चीज़ यहीं पर और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारे वेक्टर अगर ज्वाइंट हैं इस फॉर्म में, ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर कुछ इस टाइप से है और सी वेक्टर कुछ इस टाइप से है, यानी कि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया है हमारा वेक्टर। तो इनका अगर सम हम देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये होता है 0, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है और वो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस केस में उनका जो सम आएगा, एग्रीगेट सम होगा, वो होगा 0, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी आई थिंक। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को ऐड हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ है, जैसे हम वेक्टर को ऐड करेंगे, मान लो ये वेक्टर है पी वेक्टर और ये वेक्टर है क्यू वेक्टर, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में वेक्टर है, तो हम इनको ट्रायंगल की तरह यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको यहाँ पर कहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम शिफ्टिंग करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे वेक्टर को, तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो हम पैरेलली शिफ्ट कर दिए इसको क्यू वेक्टर को यहाँ कहीं पर, ठीक है, ये हमने शिफ्टिंग कर दी वेक्टर की। तो अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करें, तो ये हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो एग्रीगेट सम वेक्टर होगा, वो हमारा ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। आर वेक्टर यानी कि इस केस में जो होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर निकल के आ जाएगा, और ये कैसे आएगा उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर अभी था पी वेक्टर, ये था, और Q वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से लिखा था, ठीक है। अब हम पैरेलली इसको यहाँ ना शिफ्ट करके इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दें, तो होगा क्या, ये Q वेक्टर कुछ इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। Q वेक्टर जब इस टाइप से बन सकता है, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग भी यही रिजल्ट आएगा, यानी कि R वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग भी। और वैसे ही हमने पैरेललोग्राम लॉ से क्या किया, डायरेक्ट पैरेललोग्राम बना दिया और उसके डायगोनल को हमने R वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि R वेक्टर जो हमारा उस केस में बन रहा है वो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का सम बन रहा है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, जो पहले हमने थीटा यहाँ पर निकाला था, ये जो थीटा था, जो एक्सटर्नल एंगल था, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करें हल्का सा, जैसे हम इसी को क्यू वेक्टर को मान लिया, यहाँ शिफ्टिंग है क्यू वेक्टर की, और ये पैरेललोग्राम यहाँ कंप्लीट हो गया, तो ये जो थीटा है वो ये थीटा से रिप्लेस हो सकता है ना, पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये थीटा हो सकता है, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पर इसको लिखें, बनाने की कोशिश करें, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे मान लो ये था पी वेक्टर और ये था हमारा क्यू वेक्टर और ये कुछ था पैरेलल वेक्टर और इसको हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है।
और ऊपर वाले जो केस में जो हमने बात की थी वो थीटा था हमारा ये एंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि थीटा ये वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो यानी अब आर यहाँ पर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा, आर वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। थीटा एंगल यहाँ पर क्या है, थीटा एंगल है P एंड Q के बीच का एंगल, मिडल एंगल ऑफ P एंड Q के बीच का, ठीक है। P एंड Q के बीच का एंगल है थीटा और इनका मैग्नीट्यूड है R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आप सबको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं एक और दूसरे लॉ की, जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि पॉलीगन के थ्रू हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कई सारी साइड हों, दो या तीन से अधिक साइड्स होती हैं, उन्हें हम पॉलीगन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको पॉलीगन लॉ का यूज करके हम बनाएंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर कुछ ये है क्यू वेक्टर, तीसरा वेक्टर कुछ एस वेक्टर मान लिया, चौथा वेक्टर कुछ मान लिया टी वेक्टर ये। तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग हमें इन वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइंट करते हुए चलेंगे, ठीक है, और पैरेलली शिफ्ट करेंगे इनको। पी वेक्टर क्यू वेक्टर को शिफ्ट करें, ऐसे हो गया। एस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। टी वेक्टर को शिफ्ट करेंगे, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब जो बच रहा है उसमें जो टेल और हेड को हम कंबाइन कर देंगे, टेल और हेड हमने ये कंबाइन कर दी, तो जो आर वेक्टर आ रहा है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। इस आर वेक्टर को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। ये हमारा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर के इक्वल होगा, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगन लॉ से इस प्रकार से हम वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वेक्टर का एडिशन आप लोगों को सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम वेक्टर के सब्स्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हम वेक्टर को कैसे सब्स्ट्रैक्ट करेंगे उसे हम समझते हैं। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे मान लो a माइनस बी करते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है, इसे हम a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको एडिशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी बिठाना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को अगर हम सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसे हम लिख सकते हैं a वेक्टर यानी एडिशन माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करने के बराबर ही ये होगा, ठीक है। अब जैसे ए वेक्टर हमारा ये था, ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ये थी, बी वेक्टर ये था, ठीक है। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं और बी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो ये बी वेक्टर हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या होगा, यानी कि ए वेक्टर हमने ये लिखा है, बी वेक्टर हमारा ये था, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, माइनस होगा इसके जस्ट अपोजिट, माइनस यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ठीक है। माइनस बी वेक्टर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी वेक्टर ये हो गया। अब यहाँ पर हमें लॉ लगा देना है, पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल का लॉ लगा के हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, तो जो आर आएगा, आर वेक्टर आएगा, वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ओवरऑल हम इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में डायरेक्ट ऊपर ऐड हो जाता था, और सब्स्ट्रैक्शन में हम माइनस साइन लेके वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लेके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, द वेक्टर सब्स्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या बोलता था, कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर है तो वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो क्या है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है इसे हम समझ सकते हैं, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता था कि जो हमारा एसोसिएशन है, इनका ग्रुपिंग है, उनकी ग्रुपिंग हम चेंज कर सकते थे, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन केस में, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेक्टर सब्सट्रैक्शन, हम कैसे करते हैं और इनके लॉज को हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट आई थिंक किसी को, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक में। अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो एक लॉज और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी आपकी बोल रही है, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। सेम नेचर के वेक्टर होने चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम नेचर के वेक्टर होने चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं, जैसे फोर्स होगा और उसे फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो, फोर्स को आप मोमेंटम के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के लॉज को सेम नेचर का लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब सेकेंड जो आपका टर्म बोल रहा है, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि वेक्टर का एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ऑर्डर चेंज कर देना, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने का मतलब जैसे ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, और हो सकते हैं और भी आगे, और इनका ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, बी वेक्टर लिख दिया कहीं पे, ए वेक्टर लिख दिया कहीं, सी वेक्टर लिख दिया, ऐसे ऐसे ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जो वेक्टर एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कोई लैम्डा है, कोई कांस्टेंट है, उसे हम दोनों वेक्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ग्रुपिंग से रिलेटेड है। जैसे हमारा ग्रुप है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ग्रुप है, यानी इन्हें हम पहले ऐड कर रहे हैं और सी वेक्टर को बाद में ऐड कर रहे हैं, तो ये ग्रुपिंग चेंज हो सकती है, यानी कि ए वेक्टर को बाद में ऐड करें, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को पहले ऐड कर लें, तो भी आपका रिजल्ट सेम ही रहता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आज तक आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया, आई थिंक ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।